होता है, अगर खतरा दिखाई दे तो देखो कितना बड़ा हो जाता है। Hey, what's up guys? तो पिछली बार आप लोगों ने देखा मैंने अपना कुछ खुद का एक घर बनाया, तो उसको मैंने थोड़ा आधा बनाया था। इस अभी मैं पूरा कंप्लीट कर दिया ऑफलाइन, तो आज मैं कुछ और भी चीज़ बनाया था वो भी दिखाने वाला हूँ। चलो और देखो, मुझे मेरे ऊपर एक इफेक्ट लगा हुआ है, तो वो क्या प्लेजर के कारण हुआ है। तो प्लेजर देखो मुझे क्या देकर गया है, एक एक्स दिया और एक्सबो मतलब एक्सबो भी मिला है उसके उससे। तो अचीवमेंट हुआ क्या हुआ, एक्सबो मिला है, एक्स मिला है, तो इसके हेल्प भी बहुत कम है, तो ये यूज़ करने वाला नहीं हूँ। पहले तो मेरे पास 3 पांडा है, तो पिछली वीडियो में मैंने उन लोगों को थोड़ा ट्रेड किया था, तो अभी अभी उन लोगों को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो मुझे मिल्क की ज़रूरत है इसको हटाने के लिए, तो वो भी खाने जाएंगे, बट पहले इन लोगों को कुछ खिला देता हूँ उनको। ये भी बहुत देर से भूखा है ना, इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, अभी ये भी तोड़ लेता हूँ। चलो अभी ये तो जल्दी टूटेगा ना, तावड़ से तोड़ने पर जल्दी टूटता है। तो देखना मेरे पास ना एक मेल है और दूसरा और 2 फीमेल है, तो अभी ब्रीडिंग शायद ज़्यादा नहीं हो पाई। ये फीमेल है देखो, इसका लिप पिंक कलर का है ना, इसलिए ये फीमेल है। तो मेल और रुको रुको भाई, अभी मेरे पास फीमेल आ गया फिर से। देखो कहाँ गया वो बच्चा, कहाँ गया भाई बच्चा, कहाँ गया? ये रहा। ये भी इसका लिप भी पिंक कलर का है, तो ये भी फीमेल ही है। तो अभी इस लोगों को ब्रीडिंग कर लिया, तो अभी मुझे 5 पांडा हो गया, मेरे पास 5 पांडा हो गया। तो इन लोगों को बहुत सारा बना, अभी इन लोगों को भी मैं बहुत सारा बनाऊंगा। तो चलो मैं आप लोगों को मेरा घर दिखाता हूँ। पहले ये रहा, बाहर से देखने के लिए ऐसा हो गया है। तो थोड़ा मैंने कोबलस्टोन यूज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वुड से बनाया है। और ग्लास तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरे पास थोड़ा सेंड था, तो मेरे पास फूल भी है ना, तो कलरिंग कर दिया। तो यहाँ पर मेरा चिकन, इस तरफ मेरा गाय। तो आप लोगों को पता होगा पिछली बार मैंने घास आने के लिए कैसा ट्रिक यूज़ किया था, ऊपर से यहाँ तक मैं स्टेयर बना दिया था डर्ट का, तो वहाँ से मुझे ये घास मिल गया। तो अभी मुझे बनाना है बहुत सारे आइटम फ्रेम, मतलब मेरे पास जैसे सामान है लेकिन मैं कहाँ कहाँ रख देता हूँ, मुझे मैं भूल जाता हूँ ना, पता नहीं, इसलिए मैं आइटम से रखने वाला बनाने वाला हूँ। आइटम फ्रेम ये रहा, आइटम फ्रेम से मैं मुझे पता चलेगा कौन सा चीज़ किसके कौन सा सेस के अंदर है वो पता लगा सबसे। उसके बाद मैं अभी रुको, मुझे मिल्क की ज़रूरत है, तो एक बकेट बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये इफेक्ट है ना, ये रुको ये हटा लेता हूँ पहले, ये मिल्क खाने से ये इफेक्ट चला जाएगा। चलो अभी चला गया, इसको अभी इधर ही रख दूँगा, बाद में जब भी काम आएगा यहाँ से ले लूँगा ये बकेट। और रुको भैया, मेरे पास भी खाना भी नहीं है, तो खाना भी ले लेता हूँ। मेरे पास कुक खाना नहीं है, तो यहाँ पर फर्नेस बना दिया अभी देखो, तो अभी उसमें कुक होने देता हूँ। तो मेरे पास कॉल नहीं है, तो ये फेंस यूज़ कर दिया, मतलब फेंस नहीं प्लैंक यूज़ कर दिया, तो इसको कुक होने देता हूँ। थोड़ा खाना तो खा लिया जितना है, अभी मैं घर के अंदर से आपको दिखाता हूँ, अंदर लेकर जाता हूँ। चलो इसको बंद कर देना, तो मौफ आ जाएगा। तो ये रहा मेरे घर के अंदर से। तो पिछली बार आप लोगों ने देखा मुझे पेंडा के साथ साथ तोता भी मिला था, मतलब एक पैरट मिला था, इसमें कुछ नहीं है तो इस तोड़ लेता। तो ये कॉस्बो मुझे मिला था पिलेजर से, तो इसके लिए इसका हेल्थ देखो बहुत कम है। अभी ये यूज़ करने वाला तो नहीं हूँ मैं, इसको अभी ध्यान से रख दूँगा, बाद में रख दूँगा। अभी रुको मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी खाली है देखो, यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ पर खाली है, अभी सारा सेस खाली है, कम से कम कुछ ये देखो ये सेस मिला था। आप लोगों ने देखा होगा पार्ट 4 में देखा होगा शायद आप लोगों ने, तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये टर्टल को मारने से ये मिलता है घास जैसा, तो ये रहा, इसमें लेदर है और कुछ इंपॉर्टेंट सामान नहीं है, तो यहाँ पर ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स मैं पहले तो ये आइटम फ्रेम लगा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है भाई। आइटम फ्रेम को कुछ इस तरह से लगाने वाला हूँ, तो ये लगा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। चलो फाइन, आप मैंने आइटम फ्रेम लगा दिया, लगाते रात हो गया, और कौन से ब्लॉक सेस में क्या है वो भी दिखा लगा दिया। तो अभी रात हो रहा है और ये मेरा विलेजर रहने मतलब विलेजर यहाँ पर रहेगा सेकंड फ्लोर में,
तो यहाँ पर ब्लेजर रहेगा, तो इसलिए ये ब्लेजर के लिए घर बनाया है। और मुझे बेड भी चाहिए, बहुत सारा बेड की ज़रूरत है। तो अभी मेरे पास दो ही बेड है, तो यहाँ पर मैं एक क्या जार जैसा बनाऊँगा, बाद में बनाऊँगा। लेकिन जार बनाने के लिए मेरे पास एक प्लान टू है, आइडिया टू है, लेकिन वो लाइट की ज़रूरत है, वो लैम्प की ज़रूरत है। लैम्प कैसे बनता है मुझे मालूम नहीं। तो ये रहा बेलकनी, यहाँ से मैं पूरे मतलब वॉल को मेरा जो जो बना है मैंने सब पर नज़र रख सकता हूँ। तो इस तरफ है एक्सी फार्म, यहाँ पर वो पेंडा हाउस एंड ये बर्फ का हाउस। तो और ये रहा कैक्टस का फार्म। तो इस ये भी दिखाऊंगा, रखो इस तरफ क्या बना है वो भी दिखाऊंगा। तो पिछली बार वो ऑफलाइन थोड़ा आधा हुआ है, बना हुआ है, तो अभी थोड़ा बनाऊंगा उसको भी, साइड में क्या है वो भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये सेस मैंने बीच में नहीं आ रहा है ना, मतलब एक ब्लॉक बीच में एक ब्लॉक की गैप है ना, इसलिए मतलब बुरा दिख रहा है एक ब्लॉक देने से, इसलिए दो स्टेयर लगा दिया। तो ये जितना भी यहाँ पर सेस है सब खाली है, यहाँ पर आइटम फ्रेम लगा दिया है, यहाँ से जिसमें भी जो रखने वाला हूँ वहाँ पर चीज़ दिखाई देगा, तो इसलिए आइटम फ्रेम रख दिया अभी के लिए। तो अभी कोई भी चेस फुल नहीं है, सब खाली है, सब का सब खाली है। तो अभी रात हो रहा है तो सो लेता हूँ पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलो आज फिर आपको वो दिखाता हूँ। तो इसमें भी जार बनाऊंगा, देखो ये यहाँ पर लाइट लगेगा, मतलब लैम्प दिखाता हूँ कौन सा है, लैम्प कहाँ गया भाई, ये रहा ये वाला लगाऊंगा, थोड़ा डिजाइन लगाकर बनाऊंगा। तो भाई, और ये गेट मैं किस से बनाया, देखो मैं बताता हूँ कौन सा पेड़ से बनाया ये गेट। चलो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कौन सा पेड़ था। पेड़ के नाम तो मुझे मतलब याद नहीं क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, लेकिन मैं वो दिखा देता हूँ। उसका सेपलिंग मिला था मुझे, ये वो देखो वो रहा ये रहा है। इस पेड़ से मैंने बनाया ऐसा गेट, ये गेट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए इस तरह से बना लिया। तो चलो अभी हम लोग को मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं थोड़ा ऑफलाइन बनाया था, थोड़ा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बना पाया। तो चलो मैं मतलब एक ओशन जैसा बनाना चाहता था लेकिन वैसे तो नहीं हुआ है। तो ये रहा मेरे पास जितना भी दर्द था, मतलब दर्द चैन, और ये अभी तो ओशन का फेस चल रहा है ना, इसलिए ये मुझे बहुत सारा मिल रहा है अभी। और मेरे पास शायद ड्राई रेड कलर फैन ये सब भी कुछ है, वाटर के नीचे जो रहता है सब यहाँ पर लगा दिया, मतलब सब नहीं। अभी मुझे घास मतलब घास की भी ज़रूरत है, तो घास नहीं मिलेगा, कब उगेगा मालूम नहीं, दर्द के ऊपर घास कब उगेगा भाई। ये कौन सा ब्लॉक है, मोस्ट ब्लॉक, मतलब भाई गलती से मैंने भी तीन एमरेल दे दिया, दो या तीन था भूल गया, वो भी गलती से दे दिया, मेरे पास और एमरेल नहीं है, तो इसको मैं जमा रहा था। चलो अभी मैं इस यहाँ पर अभी मुझे वाटर डालना है, मतलब पानी डालना है, तो वो कर लेता हूँ पहले, पानी लेकर आता हूँ। पहले तो मुझे यहाँ पर एक मतलब एक क्या कहते हैं म्यूज़ियम बनाऊँगा। इस म्यूज़ियम के अंदर जितना ऊपर ये जहाँ पर ऊपर स्लैब लगाना है, इसके अंदर ऊपर एक म्यूज़ियम जैसा बनाऊंगा, जहाँ पर जितना भी मॉफ जितना भी जीव जंतु है ना सब यहाँ पर रखने वाला हूँ, मतलब कैद करके। तो वो भी बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनेगा। तो सबसे पहले मैं वाटर को लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए ये सब सामान रख देता हूँ अभी के लिए, अभी यहाँ पर रख देता हूँ। ये यहाँ पर रखेगा हथियार जैसा मतलब यही रहेगा। तो मुझे बकेट की भी ज़रूरत है, तो बकेट बनाना होगा, बहुत सारा बकेट बनाना होगा। और ये डेड कॉरल फैन रुको ये भी ले लेता हूँ, ये ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इतना सा हो जाना चाहिए। तो ये तो ड्राई हो रहा है अभी ना, पानी के नीचे शायद खिल जाएगा, शायद पानी के नीचे फिर से उगेगा, शायद मुझे लगता है पानी के नीचे उगेगा, ऐसा लगता है। तो सर फ्रेंड्स चलो अभी इन लोग या फिर यहाँ से वाटर लेकर चलते हैं। अभी मुझे वहाँ पर दो बकेट वाटर लेकर जाना होगा, क्योंकि मेरे पास बकेट एक ही है, तो आयरन भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास आयरन भी ज़्यादा नहीं है, दस या ग्यारह ही होगा शायद, तो इसलिए आयरन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता। तो एक बकेट लेकर आऊँगा बाद में। अब पहले तो मैं यहाँ पर ही एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ, तो इसलिए मुझे 2x2 का एक स्पेस चाहिए। तो ये 2x2 का एक स्पेस बना लेता हूँ भाई, गलत इसको भाई टूट गया, तो इसको भी बंद कर लेता, हो गया। अभी मुझे वाटर देना है इस तरफ, एक और एक लेकर आता हूँ, और एक वाटर बकेट लेकर आता हूँ, रुको। चलो और इसको डालना है ये इस तरफ से, हो गया, ये अभी अनलिमिटेड हो गया। तो अभी मैं मुझे डालना है, चलो
ये ऊपर देखा है, ऊपर ये कोबलस्टोन का लाइन जो जहाँ तक है ना वहाँ तक मुझे पानी लेकर आना है। यहाँ से इस ब्लॉक से ऊपर तक मुझे पानी लेकर जाना है। मतलब एक भी ऐसा वो ऐसा मतलब जो पानी बहते हुए नहीं होना चाहिए, वो अनलिमिटेड होना चाहिए। तो अभी ये सब कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अभी ये देखो पानी अनलिमिटेड हो, मतलब वाटर अनलिमिटेड हो गया। तो अभी ये सब ऐसे ही करके मैं ऊपर तक ले जाना है मुझे, वो भी ऊपर तक ले जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। ठीक है भाई, चलो अभी यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट मुझे इस फेस से लेकर जाना है ऊपर तक, ये सब कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। हाँ, इसी ऐसे करके ऊपर तक लेकर जाना है, हर एक ब्लॉक में डालना है मुझे पानी। चलो ऊपर तक अभी ये सब कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। चलो अभी बहुत देर के बाद ये काम करके हो गया। तो पिछले आप लोगों को दिखाया था तो ये मुझे दो मिला था, और पिछली वीडियो में आप लोगों को देखा होगा मैंने कैसे क्ले खरीदा था ट्रेडर के साथ, दो एमरल के बगैर, दो एमरल था उससे ये एक क्ले खरीद लिया। तो मुझे इसी क्ले से ये जब बढ़ेगा ना, इसको काट काट के मुझे अलग अलग जगह में लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा करके यहाँ पर ये डर्ट कब, डर्ट में कब घास आएगा मालूम नहीं, वो भी घास को भी आना ज़रूरी है, तभी फिश जो है ना वो घास से कुछ खाएगा, और बोन मिल से उस घास को भी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना लूँगा। तो अब पहले मैं ये फिश लेकर वहाँ पर रख कर आता हूँ। इसको पकड़ने में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि होल्ड करना पड़ता है ना, ये देखो ये होल्ड करने से ही आएगा ना बकेट के अंदर। तो ये सब मैं उधर रख कर आता हूँ, मतलब देखो दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ से शायद नहीं गिरेगा, मुझे नीचे ही जाना होगा शायद। चलो इसी तरह से मैं इसी तरह से जितना भी फिश है सबको लेकर आता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। ठीक है भाई, हो गया, ये लास्ट था, अभी पूरा सब आ गया। तो अभी मुझे टर्टल को लाना है। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्वेरियम जैसा बन गया है, छोटा है। मेरे पास अगर ब्लॉक ज़्यादा होने से होता तो मैं और बड़ा बनाता, लेकिन मेरे पास ब्लॉक ज़्यादा नहीं है ना, जितना माइनिंग किया उतना ही है, तो इसलिए इतना बड़ा ही बना पाया। और मैंने ये इक्विपमेंट बनाने की सोचा था, मतलब जो क्या कहते हैं मेरा नॉर्मल वॉल है ना वहाँ पर चौथा सोचा था, लेकिन मेरे वॉल के साथ बहुत जो हुआ ना, बहुत बहुत डर हुआ मुझे देखकर, इसलिए मैंने बना नहीं पाया। तो अभी मैं छोटा सा बना दिया यहाँ पर ही। तो अभी ये टोटल को उधर लेकर जाना है। तो उधर लेकर जाने से अगर मैं यहाँ पर जो फेंस है इसको अगर तोड़ दूँ ना तो निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्लॉक लगाया। देखो उस तरफ ना जाए, इसलिए उस तरफ ना जाकर गिर जाए, इसलिए मैं ब्लॉक लगा दिया। अभी इसको लेकर चलते हैं। ये बोर्ड के अंदर से, बोर्ड के अंदर नहीं आता है भाई, मालूम नहीं क्यों बोर्ड के अंदर नहीं आता है, मैंने ट्राई किया था। तो मुझे एक एक करके लेकर जाना होगा। चलो इस तरह से इसको धकेल धकेल कर लेकर जाना होगा। चलो अभी ये इसको लेकर जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। चल 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 मेरे कासुआ, तो मेरे टोटल, चलो 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 टोटल, चलो 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 थोड़ा थोड़ा चलो 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 चलो, हो गया हो गया। भाई तुमको यार कैसा लगा यार तुम्हारा घर, या न्यू घर है तुम्हारे लिए बनाया मैंने। तो और एक है उसको भी लेकर आ गया, तो अब इसको भी यहाँ पर रख देंगे। इसके लिए मैं इतना भाड़ा, इन दोनों के लिए मैंने इतना बड़ा एक्वेरियम बनाया। तो अभी इन लोगों को वेडिंग मैंने बढ़ाते कैसे, उनको क्या खिलाना पड़ता है भाई, प्लीज़ कमेंट करना। मुझे टर्टल के बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। तो क्या, और मैं देखो साइड साइड में क्या कहते हैं वो पेपर बनता है ना, क्या कहते हैं शुगर केन, शुगर केन ये भी मुझे मिला था ऑप्शनिंग के साथ। तो इसको भी मैं साइड साइड में लगा दिया है। तो इसका भी मैं फार्म बनाने वाला हूँ बाद में, तो अभी के लिए तो नहीं, बाद में कोबलस्टोन का ऐसा फार्म बना लूँगा। तो ये देखो ये क्ले थोड़ा बड़ा हो रहा है, अभी यहाँ से मुझे दो क्ले मिलेगा। कहाँ गया, अरे भाई वो रहा, यहाँ से मुझे दो क्ले मिलेगा। तो इसी तरह से मैं
इन लोगों को तोड़ूंगा और फिर कलेक्ट करूंगा और अलग अलग जगह में लगा दूंगा। इस तरह से देखो, दिखाता हूँ अभी, ये इधर एक और कहाँ लगाऊँ, इस तरफ एक लगा देता हूँ, इसके ऊपर हाँ ये रहा। तो चलो अभी सबको तो यहाँ पर लेकर आ गया। तो पहले तो मुझे इंतज़ार करना है इस क्या कहते हैं दर्द के ऊपर घास का पाए। अगर घास आ गया तो बोन मिल के साथ मैं उनको और थोड़ा बड़ा बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी अनलिमिटेड बोन मिल है, क्योंकि बोन मिल का फार्म बन गया, क्योंकि मेरे पास कैक्टस फार्म है ना, मतलब कैक्टस का फार्म है ना, और इस कैक्टस के फार्म से मुझे बोन मिल अनलिमिटेड मिलता रहेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, कम से कम एक दिन, मतलब 2 घंटे या 3 घंटे खेलने के बाद मुझे कम से कम एक स्टिक मिल सकता है ऐसा ही। तो थोड़ा देर में माइनिंग करूँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या मिलता है, और ये फेस ख़त्म होता है कि नहीं वो भी देखूँगा। चलो फिर बहुत देर के माइनिंग करने के बाद चलो ये डेड कोरल फैन मिला है शायद मुझे। ओ भाई नाइस, मुझे डायमंड मिला, अभी मुझे मेरे पास शायद 6 डायमंड हो गया शायद। अभी डायमंड का कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, तो मुझे और चाहिए डायमंड, क्योंकि मुझे आर्मर भी बनाना है। तो आर्मर बनाने के लिए मेरे पास डायमंड का ज़्यादा सामान नहीं है, तो डायमंड नहीं है, तो ये सब भी पानी भी आ रहा है बहुत सारा। तो माइनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ थोड़ा देर। चलो भाई मुझे ब्लॉक एक गोल्ड ब्लॉक मिला था, परचेस इसके अंदर। भाई ये भी फिश मिला है, रॉ फिश मिला है, आयरन मिला है, तो चलो कोई बात नहीं। कॉल भी मिल रहा है, कॉल की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, लेकिन टॉस बना लेके काम आएगा। तो एक फिश मिला है, रुको इसको भी रख कर रहा था भाई, ये अच्छा लगा इस फिश को, तो मैं इसको रख देता हूँ। रुको पहले तो मैं वाटर ले लेता हूँ, चलो इसको रख देता हूँ वहाँ पर, सेव रख देऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही भाई, अभी तक मुझे नेदर का कोई फेस नहीं मिला है। नेदर फेस मिलने से मुझे लाभा मिलेगा, और लाभा से शायद मैं लाभा पुल भी बनाऊँगा एक बड़ा, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे बनाऊंगा बड़ा लावा पुल, वो भी दिखाऊंगा। ओ भाई रुको रुको, अगर ये बाहर आ गया तो ये मुझे इफेक्ट देगा, इसको पकड़ कर उधर रख दूंगा, मतलब वहाँ पर मॉब सब आएगा तो वो मार देगा ना, ये मारेगा ना मॉब को, मारेगा ना, ये मारता है ये मॉब को, मालूम नहीं दे, मैं अभी तक देखा नहीं, तो कोई बात नहीं यहाँ पर छोड़ दूंगा अभी। चलो जाओ भाई, स्केलेटन भी आ गया भाई वहाँ पर, तू भी आ गया, रुक जा भाई, रुक जा, मारना मत भाई, मेरे टर्टल को लग गया तो मर जाएगा। चल मर गया भाई, मेरे पास भी ज़्यादा हेल्थ नहीं है, तो देखो ना भाई ये कैसा रहता है भाई। अगर इसके पास कोई खतरा नहीं है तो कितना प्यारा होता है, अगर खतरा दिखाई दिया तो देखो कितना बड़ा हो जाता है, बदसूरत बन जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो ये एक्वेम आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बताना भाई ये टर्टल को मैं मतलब कैसे ब्रीडिंग करूँ, मतलब कैसे उन लोगों को खिलाओ पिलाओ, क्या खाता है ये लोग, ये भी प्लीज़ कमेंट करना, और आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना। और देखो भाई इधर ये भी दो बढ़ गया है, तो यहाँ से मुझे 4 क्ले मिलेगा, तो इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही, तो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर देना, और नहीं हो तो सपोर्ट देना भाई, और पबजी के वीडियो चाहिए तो वो भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।